Who's that? हम है बॉस. Oh, come in. बॉस, डील सक्सेसफुल हो गई. शाबाश, वेरी गुड. कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? हुई थी बॉस, पुलिस वहां पर आई थी. पुलिस? पुलिस को कैसे पता चला? वो हमें नहीं पता. But we escaped. Thank God. बैग खोलो, खोलो. Excuse me, boss. Voila. ये चड्डी, चांगिया, पैंट, शर्ट, ये सब क्या है? पैसा कहाँ है? बॉस, हमने बैग तो बराबर एक्सचेंज किया था. कोड वर्ड भी सेम टू सेम बोला था. हमने बोला माचिस है, उसने माचिस दिया. मैंने बोला पुड़िया, उसने बोला पुड़िया. अरे पुड़िया बोला था कि गुड़िया बोला था? ये सब क्या है? पुड़िया बोला था. मनुभाई गांधी हियर. क्या? अब समझा. हमारा सारा माल पुलिस ने पकड़ा. पुलिस? ऐसा कैसे हो सकता है बॉस? ऐसा हुआ है. अभी अभी शेर खान ने मुझे बताया कि उनके लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया. पुलिस ने मार मार के उन लोगों से कोडवर्ड उगलवाया होगा. इसका मतलब ये है कि वो साले कमिश्नर जेडी मेहरा ने हमारी ड्रग डीलिंग पकड़वाने के लिए हमारे पीछे इंडियन सीआईडी को लगाया. तुम लोगों ने जिनके साथ डीलिंग की वो खुफिया पुलिस थी. यस बॉस. देखो मेरी इमेज यहाँ पे एक बहुत बड़े बिल्डर की है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता. हा? तुम लोग बाहर जाओ और सावधान होके जाओ और वापस नहीं आना यहाँ पे. गेट लॉस्ट बॉस, गेट लॉस्ट, आई सेड गेट लॉस्ट. वन कॉफी प्लीज. कौन? बॉस, 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 हमें बचा लो बॉस, हमें बचा लो. सेव अस. क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो खुफिया पुलिस हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है. क्या? यस बॉस, हमने अपनी इन आंखों से उनको इस होटल के अंदर आते हुए देखा है. अरे बेवकूफ, तुम लोग यहाँ क्यों आए मुझे मरवाने के लिए? अरे तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊंगा. मैं उनके हाथ नहीं आऊंगा. ₹150 देगा. एक का 150 यानी कि दो का 300 ना. अरे आदमी जूता लेगा तो जोड़ी ही लेगा ना. ए कचरा सेठ का कचरा नहीं करने का. ओ सेठ, मेड इन जापान. तो जापान के चोर बाजार में जाके बैठा. पहले वो लक्ष्मी फंड वाली ने लूटा, अब तू भी लूट ले. ये ले, खींच ले. ओ, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. अकेले हो? हाँ सर, बिल्कुल अकेला. पार्टी पार्टी हो गई? मैं तो पढ़ाई कर रहा था सर, पार्टी नहीं. तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? हाँ सर, कैंसर स्पेशलिस्ट. कैंसर स्पेशलिस्ट? जी. तो कैंसर स्पेशलिस्ट, मुझे बताओ मुझे कौन सी खास जगह पर कैंसर हुआ है? सर मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कैसे बता सकता? शट अप! तुम्हें लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है. गरीब हो चुका हूँ मैं. हंस रहे हो नालायक? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों की फीस छीन ली तुम लोगों ने. सुबह से 500 SMS आ चुके हैं मुझे. जब से उन लोगों को पता चला है मुझे कैंसर हुआ है, 500 SMS आ चुके हैं. सर ये तो खुशी की बात है ना, कितने चाहने वाले आपके. शट अप, शट अप. वो मुझे SMS इसलिए कर रहे हैं कि मरने से पहले मैं उनका कर्जा चुकता करूं. ये सब तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम ही लोगों ने किया है. नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा. सर सर सर, आप तो जानते हैं मेरी माँ ने कैसे कैसे ख्वाब देखे मेरे लिए. सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा. अच्छा, प्लीज सर. तुम्हारी माँ ने
ऐसे ख्वाब देखे हैं? क्या है ये? सर ह्यूमन रिसर्च ह्यूमन रिसर्च का सब्जेक्ट है ना मेरा, इसलिए मैं इन सब चीजों पे थीसिस कर रहा हूँ सर। ह्यूमन रिसर्च है सर? ये नंगे चीथड़ों पे थीसिस लिख रहे हो तुम? ये अश्लील फोटो? नहीं 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 सर, वो दीवारों पर लिखा जाए इसलिए मैंने ये फोटोग्राफ। इसमें और कुछ नहीं है सर? दूसरा कुछ चिपका दे बेटा। सर और कुछ मिला नहीं सर वो। देखो लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर प्लीज, बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। शेर खान जी, इस बार आपको पुड़िया जरूर मिलेगी, एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। पिछली बार खुफिया पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया था। यस बॉस। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। यस बॉस। क्योंकि डीलिंग के वक्त मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा नजर रखने के लिए। यस बॉस। और हम डीलिंग किसी सुमसान जगह नहीं, यस बॉस, पब्लिक प्लेस में करेंगे। यस बॉस। ताकि किसी को हम पर शक ना हो। यस बॉस। Yes, boss. इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। Yes, boss. एकदम चौकन्ने रहो। Yes, boss. उनके हाथ में लाल बैग होगा सामने वाली Yes, boss. सामने वाली पार्टी से मेरी बात हो चुकी है। Yes, boss. मैं यहाँ गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। Yes, boss. और इस बार डील होनी ही चाहिए। Yes, boss. Get lost. Yes, boss. Get lost. Yes, boss. देखो मैं निशा को अच्छी तरह से जानता हूँ, मैंने खुद उसकी डेड बॉडी देखी है। क्या हो गया तेरे को? अजीब बातें कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, किस तरफ जाते हुए देखा है? सर इस तरफ सर। उधर खुफिया पुलिस। पुलिस सर उछल के देखिए। बॉस खुफिया पुलिस कहाँ हो रहे? पुलिस कमिश्नर भी है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दरवाजा खोलो ना बॉस। बॉस कौन हो कौन तुम लोग? मैं तुम लोगों को जानता ही नहीं हूँ। बेकार लोगों को मैं एंटरटेन नहीं करता। क्या 4000? जब मैंने तेरे को सूट बेचा तूने मुझे 1000 रुपए दिया, अब 4000? 300% मुनाफा। हाँ तो ऊपर खर्चा तो मैंने करवाया ना। कौन सा खर्चा? अरे इसको बटन नहीं था, बटन लगवाया। चूहे ने जहाँ जहाँ से काटा था वहाँ रफू करवाया। कितना गंदा हो गया था ये, डाई किलिंग करवाया। भाई देख 4000 में लेना है ना तो ले। हाँ लाया। कड़क है। 5000? ये सेठ इधर ना। मैंने तेरे को 12 नंबर का जूता दिया तो तू मेरे को 150 रुपए दिया, उसने एक छोटी पुड़िया दी तो उसको 5000 देता है, हाँ? ये भेदभाव क्यों? अरे सिंह जाने की पुड़िया थोड़ी ना है वो। तो फिर वो तो गंजा हीरोइन का बिजनेस है, गंजा हीरोइन का। हीरोइन को गंजा करके बंगार में बेचने का? नहीं रे, गंजा हीरोइन हीरोइन समझा। ड्रग्स। ए ठीक, बड़ी मस्ती करता तू। ए मेरे को देना ये सूट देना। 4000 में लेना है तो ले, हा? नहीं तो फूट। ठीक है, पुलिस को बताऊं और तब पता चलेगा। अभी जो है आइटम देखे गए ना वो पुलिस वाला ही था। तो ठीक है, मिलिट्री वालों को बताऊंगा। ठहर, हरामखोर ऐसे चलाओ ना। सर सर नहीं नहीं सर। हे चोर सर, पता नहीं ये लोग कौन है, ये मेरे साथ ही है। सर यू नो देम? तो तुम सब लोग यहीं पर ही हो। ये लीजिए, रूम का भाड़ा समझ के रख लीजिए, हर महीने दे देंगे। मुझे घूस दे रहे हो? है? कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? 10 साल। 10 साल हो गए फिर भी यहीं पर पड़े हो? सर सर सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक स्कीम है मेरे पास, आप बैठिए। नहीं जी, बैठिए ना। छोड़ो। एक जिपो लाइटर खरीदने पर एक फ्लैट फ्री। कोई स्कीम नहीं चाहिए तुम लोगों की मुझे, पिछली बार भी ऐसी स्कीम दी थी। सर ये देखो, ऐसा एसी लाया हूँ कि जिंदगी भर इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। एसी का अच्छा था लेकिन। चुप कर बेवकूफ, आज तक कर्जा लेके उसका बिल चुका रहा हूँ मैं। आप क्या? सर ये बोल रहा है, हमको मालूम है कि आपका दिल रोजी मैडम पे आया,
और आज तक उसके बारे में हमने आपकी बीवी को खत नहीं लिखा। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कोशिश कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। एक तो इल्लीगली यहाँ दस साल से रह रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। गेट आउट, गेट आउट। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। गेट आउट। दोबारा? नहीं। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। देखो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। और इन तीन लफंगों को अंदर नहीं आने देना। नेवर। दरवाजा बंद करके रखो। एब्सोल्युटली। ये लफंगे अंदर नहीं आने चाहिए। नहीं सर। गेट आउट। थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। साला ये खुफिया पुलिस का कुछ करना पड़ेगा। यस बॉस। साले बिना हाथ धोए मेरे पीछे पड़ गए। यस बॉस। मैं जो कहूंगा करोगे? यस बॉस। मार। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे नहीं, उन दोनों को मार डालो। यस बॉस। मुझे पता नहीं कैसे मार डालो, लेकिन खत्म कर डालो उन दोनों को। यस बॉस। अगर उनके बीच में कोई आता है तो उसे भी मार डालो। यस बॉस। खा रहे हो? इतना सा भी दूसरों को नहीं दोगे? अरे पहले मैं तो खाऊं। बहुत कड़क है ये। अबे पागल है, ये बॉम है। जल्दी भागो, जल्दी जल्दी आओ सेठ जी, सो मत, जल्दी आओ। एक और एक क्या आ रहा? टीचर का नहीं सुनने का, वो पागल है। ए बंदूक किधर है? ये स्कूल में जाएगा ना तो ऐसा हालत होएगा। खुद के पास बंदूक और हमको पूछता है बंदूक किधर है। ज्यादा नौटंकी मत कर साले, छह की छह गोलियां घुसड़ूंगा पेट में। वो तीन बड़ी वाली बंदूकें कहाँ हैं? वो हाँ, वो तो मैंने बेच डाली भाई। क्या बेच डाली? हाँ। तेरे को किसने बोला था ये बंदूकें बेचने के लिए? तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा, तेरे को डबल चाहिए, ट्रिपल, जितना चाहिए सब दूंगा, लेकिन वो तूने बंदूकें किसको बेची? अभी वो रहता कहाँ है मुझे कैसे मालूम? Get out, I said! और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा एक-एक को। Get out, I said, get out! अरे एक तो मेरा पटवा चुराया, ऊपर से पेपर लिख किया, स्टूडेंट्स लोगों को 500-500 रुपया में बेचा, ये कह के कि 400 रुपया मेरा कट है, है? अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशरम, नालायक, हलकट, मुझे गालियां भी नहीं आती। और ऊपर से कौन सी स्कीमें लेके आए थे मेरे पास? है सर, ये लाइटर खरीदिए फ्लैट फ्री। सर ये टेलीफोन खरीदिए, रेफ्रिजरेटर फ्री। सर ये एसी लगवाइए, इलेक्ट्रिसिटी फ्री। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ? बेवकूफ समझ के रखा है मुझे? अरे बेवकूफ भी छोटा वर्ड है तुम लोगों के लिए। मैं क्या, मुझे क्या वो समझ के रखा है? चुप चुप नालायक, गेट आउट, गेट आउट। अरे तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो। शनि भी 7.5 साल तक सर पे रहता है, तुम लोग तो 10-10 साल से सर पे हो मेरे। मुझे पागल कर दिया है, पागल हो गया हूँ मैं। अरे तुम लोगों की वजह से एसिडिटी हो चुकी है मुझे, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। रोजी मैडम से कहा ना तुमने, मैं टकला हो गया हूँ। हाँ हाँ, मैं टकला हो गया हूँ, मैं टकला हो गया हूँ। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम? मैं टकला हो गया हूँ, टकला हो गया हूँ। गेटा सर, एक नया स्कीम आया है, चड्डी पे गड्डी फ्री। इस पे नहीं नाराज क्यों होते हो सर? तमीज से बोलो ना, चले जाएंगे। गेट आउट प्लीज, गेट आउट। हो गया हूँ, तुम लोगों के साथ रहूंगा तो गधा भी हो जाऊंगा। अरे क्या पेपर खरीद के पास हो? सर एक मिनट, पेपर खरीद के क्या क्या? Then we will discuss after. Okay. Okay. Boss, we are discussing a murder. Sorry, matter. Yes, go, yes, go, yes. go. Come.
बॉस वो दोनों बच गए। क्या? और एक और बुरी खबर है बॉस। क्या? उनके साथ एक और आदमी भी था। कौन था वो? देखने में तो उनका बॉस लग रहा था। अच्छा? लेकिन बॉस एक अच्छी खबर भी है। क्या? वो दोनों खुफिया पुलिस नहीं है, वो लोग आतंकवादी हैं। और उनका एक बहुत बड़ा गैंग भी है। ये सब मैंने टीवी और अखबार में देखा। अगर आप चाहो तो आप भी देख लो न्यूज़पेपर। ये वाला अबे बेवकूफ, ये आतंकवादी नहीं, ये खुफिया पुलिस ही है। अरे देखा नहीं, आते हैं पुलिस के साथ, जाते हैं पुलिस के साथ, वो भी पैदल नहीं, पुलिस की कार में। अरे बेवकूफ समझा है मुझे? अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए। ये उन लोगों की एक नई चाल है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़ें। मनुभाई गांधी, मनुभाई गांधी हियर। सॉरी सॉरी शेरखान जी, आई एम सॉरी। नहीं 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 शेरखान जी, अब की बार कोई गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। नहीं 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 नहीं, इस बार पुड़िया की डिलीवरी देने मैं खुद आऊंगा। बस एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका। ओके, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये तो वही चाहिए। कल आना बंदूक वाला। भाई कचरा सेठ। हाँ बोलो कचरा सेठ। वो बंदूक वाला इधर ही जा रहे लाए। एक काम करो, तुम फटाफट फटफटी पे बैठ के यहाँ जाओ, तब तक मैं उसे संभालता हूँ। अच्छा चलो। एकदम कड़क माल है ना? ये ले 5,000। नहीं नहीं सेठ, ये सैंपल है, मेरे पास 100-150 किलो है। 100-150 किलो माल, मतलब 2-3 करोड़ का माल है। तूने क्या गंजे का खेती चला के रखा? माल रेडी है, रोकड़ा रेडी है क्या? कैसी बात करता है, ये बंगार की दुकान में मैं 2-3 करोड़ रुपए लेके बैठूंगा? ये तू एक काम कर, तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। हैं? जा। इना मीना डीका। ए, तेरे को मेरे तीनों बेटियों के नाम कैसे मालूम? बताना कैसे मालूम, बताना। मेरे कॉलेज में पढ़ती है। ए, वो तीनों तो तीसरी में पढ़ती है। गुड। हेलो हेलो, सुनो। हाँ मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। नहीं वो पीछे से लगता होगा, मुझे पीछे से देखकर बहुत लोगों को आप जैसा ही लगता है। सुनो भाई, ए, अरे मेरी बात तो सुनो। मैं भेजता हूँ किसी को। किसको भेजोगे? अरे अरे तुम मेरी तरफ घूमती क्यों नहीं हो? नहीं, मैं तो घूम रहा हूँ, लेकिन आप भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं ना, तो ओके ओके ओके, मैं घूमना बंद कर देता हूँ बस। लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? नहीं मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या? हाँ, क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे लेकिन जाते जाते ये तो बता जाओ कि सोमनाथ जी कहाँ गए हैं? वो मंदिर गए। मंदिर गए हैं? अरे भाई तुम पूरे चेहरे को क्यों साबुन लगा रहे हो? पूरे चेहरे पे बाल आते हैं? कमाल, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं। अच्छा भाई बताओ, ये सोमनाथ जी वो भी दाढ़ी बनाने गए? कौन है भाई? जी मैं भिखी भाई कॉलेज का डीन हूँ, मुझे सोमनाथ जी से मिलना है। अच्छा अच्छा, तू कभी सोमनाथ जी से मिला है? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी। मैं ही सोमनाथ हूँ, बोल। अच्छा आओ फिर। लेकिन अभी अभी एक लड़के ने कहा कि आप मंदिर गए हुए हैं। वो मेरा नौकर है, मंदिर ही जा रहा था, वाइफ की टूटी हुई चप्पल टूट गई तो लौट आया। आपसे आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया। आप अंधे हैं?
आहूं, क्या कर लेगा पे? कुछ नहीं, ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है। आप एयरफोर्स में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद हमारी कॉलेज में प्राध्यापक हुए संस्कृत के। हमारी सारी कॉलेज आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है, आप बैठ। अबे संभाल के। क्या हुआ? टेबल है ना। आप सचमुच अंधे हैं? Can't you see? I can't see. I can see. वो घड़ी दिख रही है? हाँ, दिख रही है। वो नहीं, ये। अच्छा ये। मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिखाई दे रही है। कितना बजा? 7:30। ग्यारह बजे। मुझे नहीं मालूम क्या कितना बजा है। मुझे दिखाई दे रहा है। अब विश्वास हुआ कि मैं अंधा हूँ? नहीं, मानिए मत सर, सर मानिए मत सर, मेरी बात सुनो। क्या काम था? एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, उसके लिए एक फंक्शन है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए आया हूँ सर। क्या क्या प्रोग्राम है? पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? पूजा अर्चना। अर्चना तय कर ले पहले। कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, पूजा, भगवान की पूजा होती है ना, वो जुचू आ गए तब डांस। उसके बाद आपकी देशभक्ति पर एक संस्कृत नाटिका थी ना, उसका मंचन है। उसके बाद वक्तृत्व स्पर्धा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते? नहीं जानता हूँ। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा? बोला ना कभी नहीं देखा है। तो फिर तुमने मुझसे पैसे कैसे लिए? कौन से पैसे? साला, ये बहुत ही खतरनाक, इसके जैसा झूठा और मक्कार इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। सलाम मुझसे पैसा लेकर कह रहा है, मुझे कभी नहीं देखा है? ये पुलिस नहीं है, चोर पुलिस है। साले को मार मार के इससे उगलवाओ कि खुफिया लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं। बताओ हमारे धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? कि तुमको नहीं मालूम तुम्हारे धंधे में क्या होता है? बकवास मत कर और सच सच बता, गांधी के बारे में तू क्या जानता है? अरे राष्ट्रपिता है हमारे। हे मजाक बंद कर और सच सच बता, तू गांधी के बारे में क्या जानता है? अरे मैं क्या, सारे हिंदुस्तान ही जानते उनके बारे में, मैं क्या बताऊंगा? क्या और क्या जानता है? वो जब चलते थे पूरी दुनिया उनके साथ चलते थे, वो जो साथ में चलते थे उनको दौड़ना पड़ता। बस बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में क्या जानते हो तुम? धंधा? चरखा चलाते थे। चरखा? हाँ। कैसा चरखा? सूत काटने का, खादी का कपड़ा बनाने का, आजादी की लड़ाई लड़ने का, ये सब धंधे थे गांधी जी के। अबे तू किसके बारे में बात कर रहा है? यार कैसे हिंदुस्तानी हो, लंदन आकर महात्मा गांधी को भूल गए क्या? अबे महात्मा गांधी नहीं, MG गांधी, मनु भाई गांधी के बारे में क्या जानता है? तो तू कौन है? अरे यार मेरा चंपू कहाँ है यार? अरे उसके पास बहुत पैसे हैं, कहीं ऐश कर रहा होगा। अच्छा, हम लोग भूखे नंगे नजर टिकाए बैठे हैं, वो किसी 7-स्टार होटल में 7-कोर्स मील खा रहा होगा। बॉस, मैंने पकड़ से उसके 2 दांत उखाड़ दिए, उसके 2 नाखून उखाड़ दिए और मैंने वो भी उखाड़ दिया। क्या? हाँ, फिर भी कुछ नहीं बोलता है, वेरी टफ गाय। अब तू बोलेगा। मेरी सांस जा रही है। अब तेरी बहू भी जाएगी। सर, there is a call for you. मनोबाय गांधी है? नहीं, शेरखान मेरी बात तो चुप, एक मौका और दो। क्योंकि अब की बात खुद पुलिस वाला तुम्हें पुड़िया पहुंचाएगा। कैसा है? है ना एकदम कड़क? 100-150 किलो है, बोलो कितना चाहिए, बोलो। साले कचरे के आइटम, मेरा माल चुरा कर मेरे को ही बेचता है। अरे तू मेरा माल? मैंने किधर चुराया? अरे किसने चुराया? अरे मेरे को क्या मालूम किसने चुराया। एक छोकरा आया था 6 फुट का, ये 6 इंच की पुड़िया लेके। माल किधर है? छोकरे के पास। अबे छोकरा किधर है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ,
मैंने उसे फोन करने को बोला है 4 बजे, उसका ही होगा, उसका ही होगा, उसका ही होगा। हेलो कचरा सेठ स्पीकिंग। हाँ कचरा सेठ, राजू बोल रहा हूँ। उसका ही है। फौरन माल लेकर बुला इधर। भाई तेरे लिए पैसे का इंतजाम हो गया है, तू झट माल लेके इधर आ जा। किधर? इधर बोले तो शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, शमशान के सामने, ठीक है ठीक है। शमशान के एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कचरा सेठ एक मिनट। वो माल देने को बुला रहा है कि जान देने को बुला रहा है? शमशान के पास नहीं, कहीं और बोलना, कहीं भी यार। हटो तो। कचरा सेठ, कचरा सेठ, वो रॉयल सर्कस देखा आपने? हाँ, वो जो एसजी मैदान के सामने मटुंगा के पास। हाँ वही 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 रॉयल सर्कस। काय को? प्लीज प्लीज, वो रॉयल सर्कस में बुला रहा है। क्यों, छोटा बच्चा है क्या? शक्ल से तो बड़ा है, अकल का पता नहीं। अच्छा अच्छा, जो भी है फौरन बुलाओ उधर। हाँ भाई तू जल्दी आ जा, रॉयल सर्कस में आ जा, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ ओके, बाय बाय बाय। ओ नमस्ते माँ जी, आप भी अंधी हैं? आप भी अंधी हैं? मुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ नहीं, मुझे लगा वो व्हाइट व्हाइट खेल रहे हैं। तेरे गले का पट्टा कहाँ गया? क्या वो दुख रहा था ना, इसलिए मैंने निकाल दिया वो। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं गले में पट्टा पहनता हूँ? मुझे तेरी सारी हरकतें मालूम है। वो रोजी मैडम के साथ तेरा टाका भिड़ा है ना? हाँ हाँ, मैं निकलता हूँ। निकल, निकल तो। पी के नहीं जाएगा? मैं नहीं पीता। नहीं पीता? अबे दिन में तो हम भी नहीं पीते। अच्छा। ये चाय की बात कर रही है। चाय? आप इतनी प्यार से कह रही हैं तो प्लीज प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म, मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी? कमीने, जा सबके लिए चाय बना, रसोई घर वहां पे। मुझे चाय बनाने नहीं आती। तो बैठा क्यों है? ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ, मैं निकलता हूँ। वहां क्या भीख मांगने जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता वहां है। वहां? अच्छा, अबे कार्ड तो देखे जा। ये लीजिए। तू ये ले। नहीं, नहीं, ये बुक मुझे पढ़ने नहीं आती। ले ना, ले ना, देख ना, बहुत मारते हैं आप लोग। कहाँ? पहचानना क्या है, छठी मंजिल पे अकेला हूँ, आओ ना। कहाँ? ऊपर, ऊपर, ऊपर चल। कहाँ ले जा रहा भाई? मेरी टांगे। साल पुरानी होगी यही शेर खान है। यस बॉस। लेकिन उसके हाथ में ना बैग है ना पैसा है। अरे चेक या डिमांड ड्राफ्ट लाया होगा, जाके पूछो उसे। यस बॉस। डिमांड ड्राफ्ट है क्या? पैसा 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 पैसा, ये तेरे बाप की बिल्डिंग है, पैसा मांग रहा है? माल का पैसा। पुड़िया पुड़िया पुड़िया। अरे खिसक गया क्या बाबले? पुड़िया 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 है, तगला क्या लगता है? आप शेरखान हैं? है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बताइए ना, आप ही शेरखान हैं ना? नहीं, मैं उसका ससुर हूँ, ससुर। ओ माय गॉड, हमें आपके दामाद से मिलना है। आपका दामाद कहाँ है? मर गया। कब? अभी अभी 1 मिनट पहले मर गया। कैसे? चॉकलेट खा के। अरे क्यों मेरा घर खाते हो यार, तुम लोग कौन हो भाई? बंटी तो मिला गया। ये अजीब लोग कौन है? बस इन्हें मालूम होगा बंटी कहाँ है, यही तो मेरे बॉस है। बॉस? ये सब उसको बॉस बोल रहे हैं, यानी कि ये सब खुफिया पुलिस है, इन्हीं ने शेरखान को पकड़ा है। यहाँ कैसे चंपक भाई? पकड़ो साले को, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। बॉस, पुलिस ने घेर लिया है बॉस। ए वो दिखाया माल लेके भून देता है साले को। ये पब्लिक प्लेस है, इधर कुछ ऐसा नहीं करना। एक बार उसका सूरत देख लेने, फिर उसको सूरत स्टेशन पे भी जाके उड़ा सकते हैं। उसके लिए ये नकली नोट लाया हूँ, पहले उसके पास से असली माल ले लेते हैं।
मेरा 2% नहीं भूलना। नमस्कार नमस्कार मंडली, ये ले माल लाया। तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे, पहले तू दे। देना। दे, दे रे। वो दे। हाँ देता हूँ ना, ये ले। ये ले पकड़। ये भाव, ये पहले माल चेक करके देख ले। अरे ईमानदारी की पीपड़ी बजाना बंद करो। तू भी चेक कर लेना, रोकड़ा एकदम असली है। हाँ?